हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोग का 4 मई को होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है, 100% मैच करेगा। फिजिक्स का मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो जिस कारण से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से मैं रेगुलर अब वीडियोस अपलोड करता रहूँगा सारे एग्ज़ाम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग वीडियो और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 1 सही है। इनमें से केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर को अपने OMR शीट में चिन्हित करें, यानी करने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 42 हैं, जिसमें से मात्र आपको आंसर करना है 35, ठीक है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके पास यहाँ पे जब 12th का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 70 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसमें से मात्र 35 का आंसर करना रहेगा। चूँकि एक तरह से कॉलेज के द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जिसमें इस तरह का आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पर अगर हो सकता है कि धुंधला दिखाई दे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन क्वेश्चन सब यही रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुणित अनुपात के नियम में सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CO और O2, ठीक। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये गुणित अनुपात का जो नियम दिया गया था वो दिया गया था डाल्टन के द्वारा, ठीक। अगला है, एक कार्बनिक यौगिक में C 40%, सी मतलब कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6% और ऑक्सीजन 54% है। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका जो मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी CH2O। अगला हम लोग देखेंगे तो समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार वाला तत्व क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर समान परमाणु संख्या होना चाहिए, लेकिन परमाणु भार अलग होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें केवल और केवल प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, यदि किसी तत्व की परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु की संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा, नाभिक के भीतर जो भी चीज़ रहता है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 15 और न्यूट्रॉन है इसके पास 20, तो इसके नाभिक में होगा 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन ही, तो इसलिए इसका जो परमाणु संख्या होगा वो होगा आपका 20, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो 6 प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तो 6 प्रोटीन इसमें अगर देखिएगा तो इसमें आपका हो जाएगा कार्बन में 6 प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। अगला है, आवर्त तीन में तत्वों की संख्या क्या होगी? तो आवर्त तीन का अगर बात किया जाएगा तो उसमें मात्र 18 तत्व उपस्थित रहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो इसको शून्य समूह कहा जाता है या 18वां समूह भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको शून्य समूह। अगला है, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते? तो ब्यूटेन अगर आप लोग बात करिएगा तो ब्यूटेन जो होता है उसके मात्र 2 समावयवी होते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला यहाँ पर आता है, सहसंयोजन विद्युत संयोजन तथा उप सहसंयोजन बंध वर्तमान है, तो इसको आप लोग कहा जाता है, ये होता है आपका NH4Cl में, ठीक। नेक्स्ट अगला है, कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो कैल्शियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, N2 में बंधन निर्माण के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वे अणु जो 1 से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस संरचना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन मूल माध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक है? तो ये हो जाएगा आपका √3P/dm। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का 16वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बोलता है, एक्स और वाई के वाष्प घनत्व 3:5 के अनुपात में है, तो इन गैसों के अणु
अनुभार का अनुपात क्या होगा, तो जो इसका वाष्प घनत्व होता है वही उसका अनुभार होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है, तो श्यानता गुणांक की इकाई होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पवायज। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो क्विक लाइम पर जैसे ही अगर जल डालिएगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, या आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, चूना ले लेना है और उस पर पानी जब डालिएगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी, तो इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। अगला है आंतरिक ऊर्जा है, तो ये जो आंतरिक ऊर्जा होता है ये एक अवस्था का फलक भी है और एक पथ फलक भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इनमें से एक सही है, तो इसका हो जाएगा आपका सी पी माइनस सी भी बराबर आर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट अगला है अभिक्रिया H2 जोड़ Cl2 एरो 2HCl प्लस 44 किलो कैलोरी में HCl के गठन की ऊष्मा क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 44,000 किलो कैलोरी। अगला है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान धनात्मक है, वह अभिक्रिया संभवता क्या होगा, तो वो अभिक्रिया होगा जब टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच हो। अगला है PCl3 प्लस Cl2 और उसके बाद जो है ये साम्यावस्था में PCl5 अभिक्रिया में PCl5 के निर्माण में मदद मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका दाब बढ़ाने पर ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो सही संबंध क्या होगा, तो इसका हो जाएगा pH बराबर माइनस log H प्लस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है नहीं सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, pH बराबर माइनस log और उसके बाद फिर जो है ब्रैकेट में H प्लस। अगला है एक उदासीन घोल का pH मान क्या होगा, तो इसका मान होता है 7 यानी 7 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आता है हाइड्रोजन का जलना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अगला है C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6। अगला है मीथेन में कार्बन के प्रसंस्करण संख्या क्या होगा, तो ये मीथेन में अगर बात करिएगा तो SP3 होता है। अगला F2O में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा -1 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाइड्रोजन के +1 ऑक्सीकरण की अवस्था बना यौगिक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी LiH। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग आता है, अगला सवाल यहाँ पर है DTO का विशिष्ट घनत्व होता है, यहाँ पर छोटा हुआ है 31वां नंबर, तो ये इसका जो 31वां का आप लोग को आंसर लिख लेना है वो लिखना है H2O से ज़्यादा। अगला है वर्ग एक के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो वर्ग एक का जैसे ही तत्व अगर बात करिएगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगी। अगला है कैल्शियम तत्व है, तो अगर कैल्शियम तत्व की अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका ये हो जाएगा पी हो गया, ये एस ब्लॉक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो बोरोन किस ब्लॉक का तत्व है, तो बोरोन का अगर बात करिएगा तो बोरोन भी आप लोग का है एस ब्लॉक, ठीक है। अगला है जल गैस मिश्रण होता है आपका CO2 और H2 का। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो इसका अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला है पेट्रोल के शोधन के लिए प्रयुक्त विधि क्या है, तो ये हो जाएगा आपका इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। आप लोग को मात्र 35 का आंसर करना था, मैंने 37 का आंसर बता दिया है, तो इसी 35 क्वेश्चन में से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।